हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, फाइनली ईपीएफओ का बहुत ही अच्छा अपडेट आ चुका है और ये अपडेट सुनने के बाद आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। ये अपडेट सभी पीएफ मेंबर के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों, ईपीएफओ का जो ये अपडेट आया है, ये खासकर उन पीएफ मेंबर के लिए लाभदायक होने वाला है जिनका क्लेम बार बार रिजेक्ट हो जाता है। मतलब वो जब भी अपने पैसा निकालने के लिए फॉर्म भरते हैं तो उनका फॉर्म हर बार रिजेक्ट हो जाता है, चाहे वो एक बार भरें, दो बार भरें, हर बार ही उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, ये नए अपडेट आने के बाद आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, एक एक अपडेट बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हो। इस सर्कुलर का क्या मतलब है, चलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये जो सर्कुलर है, ये ईपीएफओ हेड ऑफिस से लिया गया है। इस सर्कुलर का मतलब है कि आप जब भी क्लेम के लिए फॉर्म भरते थे तो वह फॉर्म किसी कारण से रिजेक्ट हो जाता था और मैं रिजेक्ट का रीजन भी लिख के आता था, पर हर बार वही रीजन लिख के आता था या फिर कभी कभी चेंज होके आ जाता था। तो इस सर्कुलर को इसलिए जारी किया गया है ताकि आपको ये बार बार प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े और आपका जो भी फॉर्म भरते हो आप विड्रॉल के लिए, तो वो किस वजह से रिजेक्ट होता है वो आपको साफ साफ यहाँ पर बता दिया जाएगा। और आपको साथ में ये भी बता दिया जाएगा कि आप ये सब गलतियां सभी सुधार लें, उसके बाद आप पीएफ विड्रॉल के लिए फॉर्म अप्लाई करें तो आपका पीएफ जल्दी से जल्दी सेटल कर दिया जाएगा। और कुछ दिनों से आप देख रहे हो पीएफ अंडर प्रोसेस की प्रॉब्लम भी आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को भी जल्दी से जल्दी ठीक किया जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी पीएफ मेंबर के लिए एक अच्छा अपडेट है। चलो, कुछ तो ठीक हुआ कुछ दिनों में। तो दोस्तों, आप लोगों को ये अपडेट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और पीएफ से जुड़ी ऐसी जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की अपडेट मैं यहाँ पर लाता ही रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।